Hello friends, I'm Chanchal and today we discuss risk and return. Risk और return ये दोनों मैं पहले भी अपने वीडियो में discuss कर चुकी हूँ. ये दोनों हमेशा हमेशा साथ साथ चलते हैं. मतलब अगर आपका return बढ़ेगा तो वहाँ पे risk भी बढ़ेगा. सबसे पहले आता है हमारा risk. risk हमारा increase हो रहा है तो return हमें ज़्यादा मिलेंगे. हम यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं. अगर हम शेयर मार्केट में जाते हैं, इक्विटी, डेट और भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं, हाइब्रिड, ये ऑप्शन है हमारे पास. तो अगर हम इक्विटी में लगाते हैं तो हमारा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन उस अकॉर्डिंग हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है. तो रिस्क और रिटर्न हमेशा साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं. तो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न मतलब कि हमें कुछ इनकम रिसीव होना, दैट इज़ रिटर्न. मतलब मैंने एक बंदे को 1000 रुपये दिए थे, उसने मुझे 1200 रुपये दिए, जो 200 रुपये है वो मेरा एक तरीके से रिटर्न हुआ. मेरी इन्वेस्टमेंट पे मुझे इतना रिटर्न मिला. मैंने शेयर मार्केट में 1000 रुपये लगाए थे, मुझे 5% रिटर्न मिला. क्या मिला? रिटर्न मिला 5%. इसके अब हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे. रिटर्न जो है वो हमारा बेसिकली मार्केट के ट्रेंड्स के ऊपर डिपेंड होता है. मतलब मार्केट बूम में है या फिर डाउनिश मार्केट है, किस तरीके के मार्केट है उस पर डिपेंड करता है. हम रिस्क कितना ले रहे हैं, किस टाइप का रिस्क ले रहे हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है. नाउ वी कम टू द टाइप ऑफ रिस्क. रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं? रिस्क हमारे 4 टाइप्स के होते हैं. रियलाइज्ड रिस्क मतलब कि हमें बाद में जो मिलेगा, सॉरी मैंने गलती से रिस्क बोल दिया, हाँ रिटर्न, टाइप ऑफ रिटर्न. हम रिटर्न के टाइप्स पढ़ रहे हैं. सबसे पहले है रियलाइज्ड रिटर्न, मतलब हमें जो इन फ्यूचर रिटर्न मिलेगा. लाइक मैंने 1000 रुपये बैंक में सबमिट करवाए, 10% इंटरेस्ट मिला, मतलब 100 रुपये, तो टोटल कितना हुआ? 1100. 1100 रुपये जो है मुझे एक साल बाद मिलेगा. तो ये क्या है? मेरा रियलाइज्ड रिस्क रिटर्न. रियलाइज्ड रिटर्न मतलब क्या है? मैंने हिस्टोरिकल बेस पे, हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे रिटर्न देखा कि कितना रिटर्न मिला. इसको हिस्टोरिकल रिटर्न भी कहते हैं. मतलब पहले जितना मिला था उतना ही मिलेगा. एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब कि हमारे माइंड में है कि हमने इतना पैसा डाला, इतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा. एक्सपेक्ट करते हम कि हमें फ्यूचर टाइम में इतना रिटर्न मिलेगा. नॉमिनल रिटर्न. नॉमिनल रिटर्न मतलब कि एक इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टर को पता है कि आफ्टर टैक्स पे करने के बाद उसको एटलीस्ट इतना रिटर्न तो मिलेगा. मतलब सारे काम होने के बाद उसको इतना रिटर्न मिलेगा. जैसे कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं अपना पोर्टफोलियो बनवाने जाती हूँ, तो वो कहता है कि आपको 10-15% तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा म्यूचुअल फंड में. तो वो क्या है? वो है नॉमिनल रिटर्न, कितना तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे. नेक्स्ट आता है रियल, मतलब मुझे कितना रिसीव हुआ है. इसमें नॉमिनल और रियल में ये भी डिफरेंस है कि नॉमिनल जो है वो हम बिफोर टैक्स लेते हैं और रियल जो है वो हम आफ्टर टैक्स लेते हैं. मतलब कि कितना हमारे हाथ में बचे, दैट इज रियल टैक्स. नाउ कम टू द कंपोनेंट. कंपोनेंट इसके दो ही है, करंट रिटर्न एंड कैपिटल रिटर्न. करंट रिटर्न मतलब कि पीरियोडिक कैश फ्लो से, जैसे कि डिविडेंड ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये हो गया. हमने एक इन्वेस्टमेंट लगाई, उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा, वो हमारा हो गया करंट रिटर्न. और कैपिटल रिटर्न मतलब कि कैपिटल का जो प्राइस है, जो 1000 रुपये मैंने लगाए हैं उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, 1100 हो गया, 1200 हो गया, मतलब एप्रिशिएशन होना. ये एप्रिशिएशन भी हो सकता है, इसका ऑपोजिट वो डीप डेप्रिशिएशन भी हो सकता है. मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है. तो वो क्या हो जाता है? हमारा कैपिटल रिटर्न. और टोटल रिटर्न हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, करंट रिटर्न का और कैपिटल रिटर्न का. नाउ हम मेज़र कैसे कर सकते हैं? ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड, दो मेथड है. आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तब हम क्या लगाते हैं? एस्टिमेटेड यील्ड एंड करंट यील्ड. एस्टिमेटेड यील्ड मतलब यील्ड यहाँ पे हम ले रहे हैं एज अ इंटरेस्ट. मतलब जो हमने फाइनेंशियल एसेट्स लगाई है उसके ऊपर हमें कितना यील्ड मिलेगा, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा एक तरीके से. तो वो आ जाता है हमारी
एक्सपेक्टेड कैश इनकम, हमारी इनकम कितनी है डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ एसेट्स, एसेट्स का प्राइस कितना है उस पर हमें एक्सपेक्टेड कितना है कि हमें कितना इनकम रिसीव होगा। जबकि हमें करंट यील्ड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एनुअल इंटरेस्ट, कितना वो एनुअल इंटरेस्ट पे कर रही है डिवाइडेड बाय प्राइस, प्राइस यानी करंट, जो प्राइस हम लेके चलते हैं तो करंट प्राइस लेके चलते हैं। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में कौन से आते हैं, मॉडर्न मेथड में आता है हमारा होल्डिंग पीरियड यील्ड। होल्डिंग पीरियड यील्ड मतलब कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे हम इसको मेजर करते हैं, होल्ड कितने टाइम तक कर सकते हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमें मिलने वाली है उसको हम कब तक होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब 5 ईयर 10 ईयर कितना हम होल्ड करके रख सकते हैं, होल्डिंग पीरियड कितना है हमारा, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, कितना हमारा होल्डिंग पीरियड है। जैसे हमें ये है सेविंग अकाउंट पे हमें रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में हमने लगा दिया, रियल एस्टेट में लगा दिया, बॉन्ड में लगा दिया, तो इसको मेज़र करने के लिए होल्डिंग पीरियड की कितना होल्ड कितना करके रख रहे हैं हम उसको, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है R1 जो हमारा करंट इनकम कितनी हमें रिसीव हुई है डिवाइडेड बाय सॉरी करंट इनकम हमारे हमें कितनी रिसीव हुआ है, इसको हमने ब्रैकेट में क्या किया जो प्राइस है एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब कि ईयर के एंड में जो प्राइस है उसको हमने ईयर के बिगनिंग के प्राइस से डिडक्ट कर दिया डिवाइडेड बाय बिगनिंग का प्राइस। तो इससे हम होल्डिंग पीरियड निकाल लेंगे कि होल्डिंग पीरियड कितना है, ये है बॉन्ड, ये अभी बॉन्ड बॉन्ड आएगा सॉरी यहाँ पे, ये है बॉन्ड, बॉन्ड का होल्डिंग पीरियड कितना रहता है, बॉन्ड्स के मामले में अगर हम बात करते हैं तो उसका टी हमारे यहाँ डिनोट कर रहा है होल्डिंग पीरियड कितना है, कितने टाइम तक हम उसको होल्ड कर रखे हैं, मतलब 5 ईयर्स 10 ईयर्स 12 ईयर्स कितने टाइम तक। बॉन्ड कूपन कितने का है, बॉन्ड प्राइस बिगनिंग में कितना प्राइस था बॉन्ड का और चेंज प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। चलो इसका हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, 9% बॉन्ड है, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है 9% है, 1000 लिया है हमने, 1000 उसका प्राइस है, 1 साल के लिए लिया है और 9% के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, होल्डिंग पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, होल्डिंग पीरियड यील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका सबसे ईजी है इस फॉर्मूले से निकालेंगे IT मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा कितना है 1000 पे 9% 90 प्लस पी क्या शो कर रहा है हमारा, स्टार्टिंग में होल्डिंग का क्या था, जब हम उसको सेल करेंगे तो वो 1100 में बिकेगा, हमने 1000 में खरीदा था 1100 में वो हमारा बिकेगा, तो हमारे 100 रुपये का वहाँ बचता है, तो 100 रुपये डिवाइडेड बाय PT मतलब बिगनिंग में उसका था 1000 रुपये, तो हमारा आया 0.19, तो ये 0.19 हमारा एक तरीके से क्या है, होल्डिंग पीरियड है, होल्डिंग पीरियड यील्ड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हम पढ़ रहे थे रिटर्न के बारे में कि रिटर्न क्या होता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, क्यों ज़रूरी है। अब हम देखते हैं रिस्क, रिस्क और रिटर्न जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चलते हैं, रिस्क नहीं होगा किसी भी एसेट्स में तो वहाँ रिटर्न ज़्यादा नहीं होगा, कई ऐसे एसेट्स है जो 0% रिस्क पे चलती है तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि हमें उसमें प्रॉफिट होगा, वो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। रिस्क जब भी अराइज होता है जब हमारी रिटर्न जो है वो हाई होती है, हम इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इक्विटी में जाते हैं या फिर हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिस्क के कंपोनेंट हमारे दो ही हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये यू कैन सी नाउ सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क जिसको हम जो है कंपनी उसको हैंडल कर सकती है एक तरीके से, मतलब ऐसे रिस्क जो हमारे हाथ में नहीं है, मतलब कंज्यूमर के जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके हाथ में नहीं है, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, कंपनीज के जो हो गए पॉलिटिकल इंस्टेबल हुआ कोई भी तो उससे कंपनीज के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आया, मतलब नेगेटिव इफेक्ट आया, या फिर कोई घोटाला हो गया, तो ये हाथ में तो नहीं है ना, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। और असिस्टमैटिक रिस्क वो जो रिस्क है वो हम हैंडल कर सकते हैं किसके थ्रू,
डाइवर्सिफिकेशन, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दे, तो इसमें बिजनेस आता है और फाइनेंशियल रिस्क आता है। बिजनेस जो मतलब बिजनेस के अंदर का जितना भी रिस्क होता है, मतलब कंपनी के अंदर अगर कोई, मतलब जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी में कोई रिस्क आए, जैसे ब्रेक डाउन हो गया वो रिस्क, तो वो क्या है, वो हम एक हद तक अपना कम कर सकते हैं। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं अपना पोर्टफोलियो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करूँगी। मैं अपने मनी को एक कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में करूँगी। अगर वो बिजनेस डाउन चला जाता है तो मुझे दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। तो ये असिस्टमेटिक रिस्क है हमारे लिए, मतलब जिसको हम खुद डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क मतलब कि हमारे पास मॉनेटरी टर्म में ना होना, तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम बोरो करते हैं तो हम उसको ज़्यादा पे देके, तो उस रिस्क को भी हम एक तरीके से हैंडल कर सकते हैं। या तो मार्केट रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क, मतलब कोई भी सिस्टमेटिक रिस्क में जो है मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड परचेजिंग पावर रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है जैसे इंटरेस्ट जो है डेप्ट सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड और डिवेंचर हो गया, तो ये क्या है, इन सिक्योरिटीज पे स्टेबल ना होना, मतलब डेप्ट जो भी हम खरीदते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना। मार्केट रिस्क आ जाती है लाइक बुल हो गई मार्केट, कई बार बुश हो गई, टाइम पीरियड बुल एंड मतलब हाई पीक पे चली गई, फिर एकदम से बिल्कुल ही डाउन आ गई, तो ये क्या हुआ, मार्केट रिस्क राइज हो गया। परचेजिंग पावर रिस्क, मतलब कि कंज्यूमर के हाथ में पैसे ही नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके, कंज्यूमर के हाथ में पैसे ही नहीं है कि वो चीज़ों को खरीद सके, तो उससे क्या होगा, पूरा मार्केट डाउन चला जाएगा, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमारा परचेजिंग पावर रिस्क। और एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क का। एक बॉन्ड है, 100 रुपये का मैंने परचेज किया था 10 साल के लिए, 10 साल बाद जब मैं उसको सेल करती हूँ तो ऑफकोर्स उसका प्राइस पीक हुआ होगा, हम लेते 12% के अकॉर्डिंग उसका प्राइस अप होना था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट रिसेशन या कुछ भी लगा, उसका प्राइस डाउन आके 80 रुपीज़ हो गया। जबकि हम लेके क्या चलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा प्राइस हमेशा बूम ही होगा, लेकिन इस केस में हमारा डाउन हो गया। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क है। और असिस्टमेटिक रिस्क जिसको हम डाइवर्सिफाई करके कम कर सकते हैं, मतलब जिसमें डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं। Here I complete my video. If you like my video, give me a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.